विधायक रमीला खड़िया के स्वास्थ्य में सुधार है। सरदर्द, चक्कर, उल्टी और बीपी की परेशानी के बाद वो जानकारी सामने आई थी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन इसके बाद विधानसभा के आयुर्वेद चिकित्सालय में ले जाया गया। आयुर्वेद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी ने बताया कि अब विधायक खड़िया की स्थिति में उनकी सेहत में सुधार है, उन्हें आराम की सलाह दी गई है। ज्यादा बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुट गए हैं। योगेश जी, विधायक रमीला खड़िया, आज उनकी तबियत खराब हो गई थी और क्योंकि रात से ही इस चीज को लेकर प्रदर्शन भी चल रहा था, फिर कई सारी बातें हुई, लेकिन अभी उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट ये है कि अभी वो स्टेबल है, ठीक है। आपके पास क्या जानकारी पहुंची? अभी तबियत ठीक है रमीला खड़िया की जी, कुशलगढ़ से कांग्रेस के विधायक। कल से ही रात में कांग्रेस का धरना रहा, रमीला खड़िया भी रात को यहीं पर रुकी थी विधानसभा में। तो मुझे लगता है कि सदन में नारेबाजी, प्रदर्शन, इन तमाम घटनाक्रमों के कारण एक तरह से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा और यही कारण है कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई। अचानक वो थोड़े गिर गई थी। बिल्कुल योगेश जी, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि एक बारगी के लिए डर भी सबके मन में था जब ये जानकारी सामने आई कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अभी तबीयत ठीक है और ये कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों के लिए, घर वालों के लिए भी एक राहत भरी खबर है। लेकिन योगेश जी, इसके बाद आगे क्या, क्योंकि ये मुद्दा जिस तरह से उठा, उनकी तबीयत खराब हुई, अब जब भी ये बात सामने आएगी उनकी ओर से भी कि उनके साथ क्या हुआ था, हालांकि अभी वो कंडीशन में नहीं थी, लेकिन अपनी ओर से जब वो कहेंगी कि किस वजह से क्या धक्का मुक्की उनके साथ हुई या छीना झपटी हुई जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो फिर एंगल कुछ और होगा, फिर प्रतिपक्ष की ओर से की जा रही बातों को लेकर एक और नया टेक सामने आएगा। योगेश जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ताजा अपडेट देता हूँ कि अभी 2 बजे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग पत्रकारों से रूबरू होंगे, प्रेस से रूबरू होंगे। जो सदन में गतिरोध चल रहा है, कांग्रेस विधायक दल लगातार नारेबाजी कर रहा है सदन के में आके, उस पूरे मामले को लेकर अपनी बात सत्ता पक्ष की ओर से बात रखेंगे। आपको ध्यान है कि आज मुख्यमंत्री खुद भी काफी देर तक विधानसभा में रुके थे और संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य सचेतक की उनसे लंबी बातचीत हुई पूरे घटनाक्रम को लेकर। थोड़ी देर बाद ही 2 बजे पूरे मामले को लेकर वो अपनी बात पत्रकारों के सामने रखेंगे। जी ठीक है योगेश जी, इंतजार करते हैं क्या कुछ कहना है, उनका क्या साइड रहेगा इस पूरे गतिरोध की खबर पर। शुक्रिया आपका योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।